Hello friends, welcome back to my channel Aerogenesis Portal. So today my ongoing chapter I will discuss, that is biological classification, and today our topic will be platyhelminths, annelida and nemahelminths. तो आज प्लेटीहेलमिंस, एनिलिडा और नेमाहेलमिंस जो एस्केल हेलमिंस का नाम से भी जाना जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ये पार्ट 6 है और पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी मैंने डाल चुका है इसी चैनल में, मैंने डाल चुका हूँ. आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी जो प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा. जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ बायोलॉजी के बारे में आपको पता चल जाएगा. तो फिर बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो फाइलम 1 विल बी प्लेटीहेलमिंथ्स. प्लेटीहेलमिंथ्स आर ऑल्सो नोन एज अ फ्लैटवर्म्स. नंबर 1 पॉइंट, मोस्टली पैरासाइट इंक्लूडिंग मैन. दैट मींस ऑल द मेंबर्स ऑफ द पैरासाइट सम मोस्टली दे मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मीन दोज व्हिच विल अटैक द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम. जो दूसरों को हानि पहुंचा के वो लोग के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं. पैरासाइटिक दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टो पैरासाइट और एक होता है एंडो पैरासाइट. एक्टो पैरासाइट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो जिसको अटैक करेगा उसको बाहर से ही उसको आपका न्यूट्रिशन ले लेगा. जैसे देखिए मॉस्किटो हो गया, ब्लड हमारा बॉडी के बाहर से लेता है, मतलब बाहर में रहता है वो, फिर ब्लड लेता है. लीच हो गया, वो हमारा बॉडी से बाहर से ब्लड लेता है. तो दीज आर एक्टो पैरासाइट. एंड बट यहाँ पे जो प्लेटीहेलमिंथ्स है वहाँ पे एक्टो एंडो दोनों मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्लेटीहेलमिंथ्स नंबर 1 टेपवर्म, ये एंडो पैरासाइट है. ओके नंबर 2, और जैसे लीवर फ्लूक है ये भी देख लीजिए. नंबर 2 पॉइंट, ऑल्सो नोन एज अ फ्लैटवर्म्स डॉर्सोबेंटली फ्लैटेंड. ये दिस इज द स्ट्राइकिंग कैरेक्टर ऑफ देम. दैट इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स आर द फ्लैट. इसलिए वो लोग का नाम है फ्लैटवर्म्स, डॉर्सोबेंटल फ्लैट. जैसे हमारा जहाँ पे पेट के तरफ, हमारे पेट के तरफ ये होता है वेंट्रल साइड और हमारे पीठ के तरफ ये होता है डॉर्सल साइड. ऑर्गेनिज्म का भी ऐसा ही है, पेट के तरफ कहते हैं डॉर्सल साइड और पीठ के तरफ कहते हैं पेट के तरफ कहते हैं वेंट्रल साइड और पीठ के तरफ कहते हैं डॉर्सल साइड, और बाकी जो साइड में होता है उसे कहते हैं लेटरल साइड. यहाँ पे जो जितने मेंबर्स रहेंगे इस फाइलम में वो लोग डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन रहेंगे. ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल साइड फ्लैट होगा इसलिए उसको फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं. नंबर 3 पॉइंट, एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्रिकल. दैट मीन्स देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. ओके, इफ यू कट देम थ्रू द सेंट्रल, सेंटर से अगर हम काटे उसका बॉडी तो फिर दो इक्वल पार्ट में मिल जाएगा. एसिलोमेट वो लोग का बॉडी स्पेस, सिलोम नहीं है. ये सब मैंने डिस्कस कर चुका है. अगर आपको जानना है एसिलोमेट क्या है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर क्या है आपको पता नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में ये सब चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ. ये आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने से वहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे. तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स दे हैव 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, दे डोंट हैव सिलोम. नंबर 4 पॉइंट, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ, ऑब्वियसली देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. सेल विल ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू, एंड टिश्यू विल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू ऑर्गेन्स, एंड दे हैव ऑर्गेन सिस्टम. बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम है, टिश्यू तो रहेगा ही, तो दे हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सब चीज़ें भी आपको पार्ट 1 में अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ, मिल जाएगा. 3 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक होता है सेल, सिर्फ सेल से बॉडी बन सकता है, जैसे सोच लीजिए स्पॉन्जेस. एक होता है सिर्फ टिश्यूज, ठीक है, और एक फाइला में जहाँ पे सिर्फ टिश्यूज और बोलू के बॉडी में देखने को मिलता है. ठीक है, सिलेंडर डेटा सोच लीजिए आप. फिर ऑर्गेन सिस्टम जैसे ये प्लेटीहेलमिंथ्स आ गया. तो नंबर 5 पॉइंट, नॉन सेगमेंटेड बॉडी एक्सेप्ट सिस्टुडा. तो वो लोग का क्या होता है कि बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते, बॉडी प्लेन होता है. जैसे यहाँ पे देखिए लीवर फ्लूक को देख लीजिए, वो लोग का बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है, भाग नहीं है. देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. बट यू सी इन केस ऑफ एक्सेप्ट क्या बोला, सिस्टुडा. सिस्टुडा एक आपका क्लास है. देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स को 3 भागों में भाग किया गया है. इसको मैं समझा दूंगा आपको. उनमें से 3 क्लास में भाग किया गया है. एक होता है टर्बेलेरिया, एक होता है ट्रेमाटोडा, एक होता है सेस्टुडा. तो सेस्टुडा जो ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो लोग का बॉडी में लेकिन सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा. और सेस्टुडा ग्रुप में आपका टेपवर्म गिरता है. यहाँ पे जो आप फिगर में देख सकते हैं नंबर 8 टेपवर्म, ये इसमें वो लोग का बॉडी सेगमेंटेड होता है पर मोस्ट ऑफ देम सेगमेंटेड नहीं होता है. नंबर 6 पॉइंट, बॉडी हैज 1 सेलुलर लेयर कॉल्ड द सिलिएटेड एपिडर्मिस, बट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स दे फॉर्म क्यूटिकल अराउंड देयर बॉडी सर्फेस. वो लोग का बॉडी में देयर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ वन सेल लेयर नोन एज अ सिलिएटेड एपिडर्मिस. आउटर कवरिंग एपिडर्मिस वो लोग का बॉडी में भी है और जहाँ पे आपको सिलिया भी देखने को मिल जाएगा. मैक्सिमम मेंबर्स में आपको सिलिया देखने को मिलता है आउटर कवरिंग एपिडर्मिस में. बट कोई कोई मेंबर ऐसा भी है जो मतलब पैरासाइटिक है. देखिए कोई कोई मेंबर मैंने पहला नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है, मोस्टली पैरासाइटिक. अभी प्लेटीहेलमिंथ्स जो जो ऑर्गेनिज्म है मेंबर है सब पैरासाइटिक नहीं है. जो जो पैरासाइटिक है वो लोग का बॉडी में एक स्पेशल तरह का मेम्ब्रेन रहता है बाहर में जिसका नाम है क्यूटिकल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूटिकल. और इस क्यूटिकल क्या करता है,
वो पैरासाइटिक है ना, मतलब किसी और को अटैक करके वहां से न्यूट्रिशन लेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म किसी और को अटैक करेगा तो हो सकता है बॉडी के अंदर में भी जाके उसे न्यूट्रिशन लेना पड़े। कोई कोई तो ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो बॉडी के अंदर से अगर वो न्यूट्रिशन लेगा तो जैसे हमारे पेट के अंदर भी बहुत सारे वर्म्स रहते हैं, ठीक है ना, तो वो सब वर्म्स जिंदा कैसे हैं? जैसे टेप वर्म भी पाया जाता है, तो टेप वर्म भी पाया जाता है, तो वो लोग हमारा पेट में तो एसिडिक कंडीशन रहता है, वहाँ पे वो लोग कैसे जीवित रह रहे हैं? वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो लोग को कुछ एक एडाप्टेशन करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग ने अपना मेम्ब्रेन में एक स्पेशल तरह का मेम्ब्रेन जिसका नाम है क्यूटिकल बना लिए हैं, जिससे वो लोग खुद को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एंडोपैरासाइट है वो एसिडिक एनवायरमेंट या फिर हॉस्टाइल एनवायरमेंट से बचने के लिए यही क्यूटिकल वो लोग को मदद करता है। नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट, नो एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन इज फाउंड। देखिए हमारे बॉडी के अंदर बोन रहता है, आवर बॉडी हैज बोन इनसाइड इट, तो वी हैव एंडोस्केलेटन। एंडो मींस अंदर, एक्सो मींस बाहर, बट कोई कोई ऑर्गेनिज्म है कि वो लोग का तो स्केलेटन होता नहीं है, पर हाँ सख्त जैसा चीज बाहर में होता है। जैसे देखिए क्रैब हो गया, क्रैब हो गया अगर आप उसको पकड़ेंगे तो बाहर से एक कवर रहता है ना काफी हार्ड, तो ये उसका स्केलेटन की तरह काम करता है, हार्ड सरफेस। कोई भी हार्ड सरफेस हो गया जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो बॉडी को शेप देता है, उसे स्केलेटन कहते हैं। तो वो लोग का क्रैब हो गया, इंसेक्ट हो गया, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है ना बाहर की तरफ काफी सख्त होता है, वो उसका स्केलेटन है, उसे हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन, बाहर का स्केलेटन। हमारा बॉडी में जो है वो अंदर में है, हार्ड सर्फेस जो हमें शेप देता है हमारा बॉडी को, वो हो गया एंडोस्केलेटन। पर प्लेटीहेल मींस के मेंबर में ना तो एंडोस्केलेटन ना तो एक्सोस्केलेटन कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ कुछ मेंबर जो पैरासाइटिक है, सम हैव हुक स्पाइन सकर्स टीथ और हॉर्न्स एंड दे एक्ट एज एडिसिव ऑर्गन्स पैरासिटिक फॉर्म्स। तो जो जो मेंबर आपका पैरासिटिक फॉर्म है उसको तो बॉडी में चिपक के रहकर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा ना, वो जिसको अटैक करेगा, क्योंकि वो पैरासाइटिक है तो ऑब्वियसली किसी को अटैक करेगा ना, तो उस जिसको अटैक करेगा चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर हो, चिपक के वो जो मस्कुलर वॉल है या फिर टिश्यूज में, सेल में, बॉडी में चिपक के वहाँ से खून, टिश्यूज, ब्लड, जो लोग का खाना है वो लेगा वो। तो चिपकने के लिए कुछ तो हुक होना पड़ेगा ना, वो लोग का मुंह में थोड़ा अडप्ट होना पड़ेगा, हुक्स होना पड़ेगा, दांत होना पड़ेगा, टीथ होना पड़ेगा, कुछ हॉर्न्स होना पड़ेगा। तो वो लोग स्पेशल मॉडिफिकेशन है वो लोग के माउथ में जो वो लोग, तो इसको कहते हैं सकर्स, जिससे वो चूस सकता है, सकर्स, स्पाइन्स, हुक्स, सकर्स, स्पाइन्स, हुक्स, टीथ, हॉर्न्स, और ये सब क्या करता है, एडिसिव ऑर्गेन की तरह काम करता है, मीन चिपकने में वो लोग को मदद करता है। जो जो मेंबर पैरासाइटिक है, ठीक है, सब लोग नहीं, जो पैरासाइटिक है, जो दूसरों से खाना लेगा अटैक करके। अभी देखिए अगर ये सकर्स हुक्स अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका टेप वर्म का, ठीक है, टेप वर्म जो होता है, टेप वर्म, पॉर्क टेप वर्म, ये पॉर्क टेप वर्म में आपको ऐसा दिख जाएगा। आप लोग हुक देख सकते हो, सकर देख सकते हो, ठीक है ना, इसी हुक्स और सकर से वो लोग बॉडी में चिपकने में वो लोग को मदद करता है। इसी हुक सकर से वो चूसता है खून, न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी उसको खाना वहाँ से चूसता है बॉडी से, हुक से वो चिपकता है, तो ऐसे रहते हैं। टेप वर्म का यहाँ पे उदाहरण देके मैंने समझाया, इस मुंह का पोर्शन को कहते हैं स्कोलैक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर 8, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनल एंड अदर ऑर्गेन इज फिल्ड विद द स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड पैरेन्काइमा। तो वो लोग का जो स्पेस होता है जहाँ पे एक बॉडी वॉल का स्पेस और अंदर में जो एलिमेंट्री कैनल है उसका स्पेस के अंदर, और अदर ऑर्गेन, ऑर्गेन तो होगा ना बॉडी के अंदर, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो मेंबर है, प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया, टेप वर्म हो गया, दीज आर द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल मींस। तो वो लोग का बॉडी के अंदर तो ऑर्गेन तो है ना, ऑब्वियसली दे हैव ऑर्गेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेन के बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पे बॉडी वॉल और ऑर्गेन्स के बीच में, हमारा भी तो है ना बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स और हमारा जो बॉडी वॉल बाहर का जो सतह है और एकदम अंदर का जो ऑर्गेन है उसके बीच में थोड़ा जगह है ना, वहाँ पे ब्लड है कि नहीं। तो वो लोग का जो ये जो स्पेस है वहाँ पे क्या है, एक खास तरह का सेल है जिसका नाम है पैरेन्काइमा। देखिए मेडिकल में ऐसा ही सवाल पूछता है, ये छोटा छोटा सवाल इंपॉर्टेंट है कि बॉडी वॉल स्पेस में जो प्लेनरी प्लेटीहेल मींस का बॉडी वॉल स्पेस में जहाँ पे ऑर्गेन रहते हैं, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल वहाँ पे जो ऑर्गेन रहते हैं वहाँ के बीच में स्पेस में एक सेल रहता है, कौन सा सेल रहता है, वो होता है पैरेन्काइमा सेल्स, एक स्पेशल फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड में एक लिक्विड रहता है, उस लिक्विड में आपको पैरेन्काइमा सेल्स मिल जाएगा, और यही फ्लूइड और यही पैरेन्काइमा सेल वो लोग को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह फूड ले जाने में मदद करता है। नंबर 8 पॉइंट, एब्जॉर्प्शन इज डन बाय बॉडी सरफेस एज दे डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो लोग जो एब्जॉर्प्शन करते हैं खाने को, वो लोग डायरेक्ट बॉडी के अंदर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर चला जाता है, ठीक है, बॉडी सरफेस से ही हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। खाना जो है
बॉडी के सेल्स के अंदर आराम से बाहर से अंदर घुसता है, क्योंकि वो लोग का देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। पर कोई कोई मेंबर, कोई क्लास है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक चीज कि फाइलम प्लेटिहेल मीन्स को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। तीन क्लास में भाग किया गया है, एक है टर्बल एरिया, एक है ट्रेमाटोडा और एक है आपका सेस्टुडा। तो ये जो टर्बल एरिया ट्रेमाटोडा एंड ट्यूबल एरिया टर्बल एरिया है, ट्रेमाटोडा एंड द टर्बल एरिया, ये दोनों क्लास में आपको मुंह माउथ फेरिंग्स और ब्लाइंड इंटेस्टाइन, जहाँ पे एनस नहीं होता। इंटेस्टाइन में तो एनस होना पड़ेगा ना, हमारा एलिमेंट्री कैनल का दो ओपनिंग होता है ना, एक माउथ और एक एनस, तो यहाँ पे एनस नहीं होता। वो भी ट्रेमाटोडा और टर्बल एरिया में मुंह थोड़ा प्रकार से मुंह देखने को मिलता है, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन थोड़ा दिख जाता है, पर मैक्सिमम मेंबर्स में उन लोग का तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। अभी ट्रेमाटोडा का अगर आप बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरिया। जैसे ये हैगा, ये वाला होगा आपका प्लेनेरिया, और इसको डुगेसिया, प्लेनेरिया का और एक नाम डुगेसिया भी है, ये आपका ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल हो गया। और टर्बल एरिया अगर हम पूछेंगे एग्जाम्पल, तो फिर इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, आपका ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने दिया है कि नहीं, हाँ ये, हाँ ये वाला, ठीक है, लिबर, लिबर फ्लू, शिप लिबर फ्लू बोल सकते हैं हम, फेसियोला, ठीक है। ये जो लिबर फ्लू है शिप का, ये हो जाएगा आपका ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल, ओके। और ये जो टर्बल एरिया है, ये टर्बल एरिया हो जाएगा आपका प्लेनेरिया का एग्जाम्पल, ठीक है। प्लेनेरिया का और एक नाम क्या है, ड्यूगेसिया, ओके, ड्यूगेसिया। और ये है ब्लड फ्लूक, जहाँ पे मेल फीमेल एक साथ रहते हैं, ठीक है। ये जो एक जो आप जो यहाँ पे फोटो दिख रहे हैं, ये किस चीज़ का है, ये आपका फोटो है आपका ड्यूगेसिया टर्बल एरिया का, ठीक है। टर्बल एरिया का जो ड्यूगेसिया का प्लेनेरिया का फोटो है, इसका फोटो है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलो के बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। नंबर 11 पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है ना क्या होता है, जहाँ पे गैसेस लेना, गैसेस एक्सचेंज, ये सब नहीं है वो लोग का, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे जैसे लंग्स है वो लोग का ऐसा कुछ नहीं है, इंसेक्ट में जैसे ट्रेकिया होता है वो लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम एबसेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या है, हार्ट है, अलग अलग में अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गन रहता है, पर वो लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। नंबर 11, वन पेयर ऑफ सिंगल प्रोटोनेफ्रिडियम विथ फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर एक्सक्रीटरी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन वो लोग कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक स्पेशल तरह का सेल होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल्स, और नेफ्रिडियम है प्रोटोनेफ्रिडियम, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडियम प्रिमेटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के हिसाब से मानते हैं, उसके साथ आपका फ्लेम सेल है जो वो लोग का एक्सक्रीशन में मदद करेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 12, हैव प्रिमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन एंड वन और थ्री पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द ट्रांसवर्स कोमिश्योर्स, एग्जांपल प्लेनेरिया और डुगेसिया। तो यहाँ पे फिर से प्लेनेरिया और डुगेसिया के एग्जांपल दिया है, ठीक है, फोटो मैंने दिखाया था, ये है आपका प्लेनेरिया डुगेसिया, जो आपका कौन सा क्लास में गिरेगा, ये गिरेगा टर्बल एरिया में, ओके। तो देखिए वो लोग का नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम में आपको दो ब्रेन गैंग्लिया मिल जाएगा, ये रहा दो ब्रेन गैंग्लिया मिल जाएगा, और ये दो ब्रेन गैंग्लिया सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं क्योंकि ऊपर में रहेगा इसलिए सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं या फिर ब्रेन, और थ्री पेयर्स ऑफ या फिर टू पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल दो लंबा लंबा नर्व्स ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे जिससे काफ़ी सारे ऐसे लेटरल नर्व्स एराइज हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल नर्व्स, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स दो आपको दिख रहे होंगे, और ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व है, ये जो दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय सम ट्रांसवर्स कोमिशियर्स, इसे ट्रांसवर्स कोमिशियर्स कहते हैं, ठीक है, नर्व भी है ट्रांसवर्स कोमिशियर्स कहते हैं। जैसे ये सब आपको दिख जाएगा प्लेटी हेलमेंट्स के एक मेंबर जिसका नाम है प्लेनेरिया, जो क्लास टर्बल एरिया में गिर रहा है। मैं एक एक चीज बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ ताकि आपको, आप लोग कभी ना भूलें, आपको याद रह जाए। मैं उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और जो आपको जानना चाहिए। मेडिकल में ये सब बहुत पूछा जाता है एंट्रेंस लेवल में, ठीक है, हर तरीके के एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करके बोल रहा हूँ। और एक बात गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा हर एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में हो रहा है, मैं खुद ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, बहुत जल्दी मैं ये करूँगा। देखिए मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, कुछ दिन पहले ही खोला है, तो मैं बोर्ड अभी तक खुल नहीं पाया, लॉकडाउन का समय चल रहा है आपको पता है, तो बहुत जल्द मैं सब कुछ प्रिपरेशन इंस्ट्रूमेंट बना दूंगा, तब मैं अच्छे से ब्लैकबोर्ड में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो बस ये कुछ दिनों आप लोग बस मेरे साथ थोड़ा टॉलरेट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेंस ऑर्गन्स आर फाउंड इन
टार्बेल एरिया बट इट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. तो टार्बेल एरिया सेम प्लेन एरिया, ये जो है यहाँ पे प्लेन एरिया, इसमें आपको सेंस ऑर्गेन्स तो दिख जाएंगे पर आपका वो नहीं है. पैरासिटिक फॉर्म्स में कोई सेंस ऑर्गेन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा. पैरासिटिक फॉर्म्स जैसे हो गया टेप वर्म हो गया, ठीक है ना, टेप वर्म में पैरासिटिक फॉर्म है, दूसरों को अटैक करता है. तो प्लेन एरिया में लेकिन सेंस ऑर्गेन मिलता है. नंबर 14, हार्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म. हार्मोफ्रोडाइट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन दैम. ठीक है, हार्मोफ्रोडाइट उसे कहते हैं जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एक्सेप्ट सिस्टोमा. ठीक है, सिस्टोमा किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टोमा ब्लड फ्लूक का नाम है, ब्लड फ्लूक. यहाँ पे डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए, ब्लड फ्लूड आप लोग देख रहे हैं, ये है फीमेल और ये है मेल. मेल का बॉडी के अंदर आपका फीमेल रहता है, ठीक है, मेल का बॉडी के अंदर फीमेल रहता है, आप लोग देख सकते हैं ब्लड फ्लूक. तो ये यहाँ पे लेकिन मेल और फीमेल अलग अलग है, पर बाकी प्लेनेरिया हो गया, देन अदर एग्जाम्पल जैसे टेप वर्म हो गया, वहाँ पे लेकिन आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में रहेंगे. जैसे यहाँ पे जितना भी ये है, जैसे ये सब हार्मोफ्रोडाइट है, प्लेनेरिया हार्मोफ्रोडाइट है, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही इंडिविजुअल में मिलेंगे. लिवर फ्लूक हार्मोफ्रोडाइट है, टेप वर्म हार्मोफ्रोडाइट है, ठीक है, पर ब्लड फ्लूक जो है वो हार्मोफ्रोडाइट नहीं है, वहाँ पे मेल और फीमेल सेपरेट मिलते हैं. तो नंबर 15 पॉइंट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन इन मेनी फ्रेश वाटर फॉर्म्स. तो वो लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्यूजन से करते हैं, ठीक है. और कौन सा मेंबर, वो सब मेंबर जो आपका फ्रेश वाटर पानी में रहते हैं, मीन समुद्र में नहीं, दूसरे पानी में रहते हैं, जो नॉर्मल वाटर जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, वो सब. नंबर 16, एग्स आर डिवाइड ऑफ योक बट हैव योक सेल्स कवर्ड बाय एग सेल. तो एग के अंदर जो आपका जो हम जो जैसे मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर में जो योक किसे कहते हैं, जो येल्लो होता है, वो वाला येल्लो वाला पार्ट, तो वो लोग का एग्स में योक नहीं होता, ठीक है, पर हाँ योक बनने का जो सेल्स होता है वो मौजूद होता है, और वहाँ पे एग सेल भी लेकिन पाया जाता है उस एग्स में, उल्लू का एग्स में एक शेल भी छोटा सा पाया जाता है. लेकिन नंबर 17, लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व्स वन और टू होस्ट. उल्लू का लाइफ साइकिल थोड़ा जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उल्लू होस्ट चाहिए. दैट मींस होस्ट मींस दे विल देयर लाइफ साइकिल कंटेंट्स ऑफ होस्ट वेयर दे विल लिव, फ्रॉम वेयर दे कैन ऑब्टेन देयर फूड बाय अटैकिंग देम. एक स्टेजेस में ऐसा है कि वो एक किसी और होस्ट में, होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहा है कहीं और, ऐसा और कभी ऐसा स्टेज है कि वो वहां से निकल के किसी और होस्ट के बॉडी में चला गया. तो वो लोग का होस्ट दो या तीन ऐसे चेंजेस हो सकते होते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लाइफ साइकिल. नंबर 18, रीजनरेशन इज वेल मार्क्ड. रीजनरेशन मीन्स द कैपेसिटी टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेन. एक ऑर्गेन अगर डिटैच हो गया, अगर इंजर्ड हो गया, तो वो लोग नया ऑर्गेन बना सकते हैं. हमारा अगर हाथ पे हाथ अगर थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, फिर उंगली कट गया, सोचिए हाथ कट गया, हम नया हाथ नहीं बना सकते, बट दे हैव, इसे कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी. जैसे प्लेनेरिया में तो वो बहुत अच्छे से वो दिखाता है प्लेनेरिया, ठीक है, जैसे प्लेनेरिया आपको पता है, मैंने पिछले डायग्राम ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ. नंबर 19, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सेस्टुआ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज सीन इन टर्मेटोड्स. सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स अगर वो हार्मोफोडाइट है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो रिप्रोडक्शन तो खुद ही कर पाएगा ना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना. फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म एंड ओवा का मिलन. अगर मेरे अंदर दोनों अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मौजूद है तो मैं खुद ही कर लूंगा ना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं. जैसे सेस्टुडेस में मिलते हैं एग्जाम्पल, सेस्टुडा का एग्जाम्पल क्या था, टेपवर्म टेनिया सोलियम, ठीक है. टेपवर्म का डायग्राम आपको अगर देखना है तो मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ. ये है टेपवर्म, ठीक है, नंबर है टेपवर्म. तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है क्योंकि हार्मोफोडाइट है, करेगा ही. फिर एंड क्रॉस फर्टिलेशन इज सीन इन टर्मेटोड्स. हाँ, क्रॉस फर्टिलेशन का टर्मेटोड में मिलेगा, जैसे फेसियोला लीवर फ्लूक हो गया. फिर जैसे ब्लड फ्लूक हो गया, ब्लड फ्लूक में मेल फीमेल है तो वो लोग क्रॉस फर्टिलेशन करेंगे. नंबर 20, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलेशन कैसे करते हैं वो लोग, इंटरनल. स्पर्म और ओवा का मिलन कैसा होता है, बॉडी के अंदर. नंबर 21 पॉइंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड लार्वा स्टेजेस. तो डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स वो लोग का बेबी जो होगा वो लोग का पेरेंट के जैसा दिखने में नहीं होता है, वो लोग का बेबी एक लार्वा होता है, वो लार्वा बाद में डेवलप होकर पेरेंट बनेगा, वो लोग के तरह होगा देखने में. हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा जब बेबी निकलता है मनुष्य का पूरा मनुष्य के जैसे ही होता है, उसके जैसे रूप होता है, तो हमारा डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट ये है आपका क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे देखिए प्लेटीहेलमिंथ्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए. प्लेटीहेलमिंथ्स को तीन क्लास में भाग किया गया है, एक है टार्बेल एरिया, एक है ट्रेमाटोडा और एक है सेस्टुडा. तो टार्बेल एरिया आप लोग देख लीजिए, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर और द मेराइन नोन एज द प्लेनेरियंस और द एडीवॉर्म. प्लेनेरिया का और एक नाम एडीवॉर्म है, ये सब डिटेल्स में बता रहा हूँ, मेडिकल में आपका काम आता है एंट्रेंस प्रिपरेशन में. और ट्रेमाटोडा में क्या होता है, ट्रबल एरिया का जो होगा, ये देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ड्यूगेसिया,
प्लेनी जब वो लोग कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और एडीवॉर्म भी कहते हैं उसे। ट्रेमाटोडा क्या होगा, एंडोपेरासाइट, ठीक है, एंडोपेरासाइट, दैट मीन्स बॉडी के अंदर वो लोग रहेंगे, एंडोपेरासाइट। वो लोग का और एक नाम फ्लूक्स भी है, फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिश लीवर फ्लूक्स, ठीक है, बहुत सारा बीमार करता है, जैसे देखिए कॉज लीवर रॉट डिजीज, फिर होस्ट किस ऑर्गेनिज्म के अंदर से वो लोग मतलब अंदर में जाके वो लोग न्यूट्रिशन लेता है, शीप गोट। सेकेंडरी होस्ट किसी और को अटैक करेगा, प्राइमरी होस्ट क्या है, मतलब पहला कौन सा जानवर को, जानवर का बॉडी में जाता है, ये हो गया शीप गोट। सेकेंडरी होस्ट किसको, स्नेल हो गया, ठीक है। फिर शो पोली एम्ब्रायोनी, लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स मिरासीडियम स्पोरोसिस रेडिया कार्केरिया मेटाकार्केरिया लार्वेल फॉर्म मिरासीडियम लार्वेल फॉर्म, ये सब एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो ये सब इसलिए मैंने लेके आया हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ, ये सब लार्वा का जो नाम है तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ट्रेमाटोडा लार्वा या फिर फेसियोला लीवर फ्लूक या फिर ब्लड फ्लूक, ये सब लार्वा का नाम, ये सब है। प्राइमरी होस्ट पूछा जाता है शीप और गोट है, सेकेंडरी होस्ट स्नेल है, बहुत बार पूछा जाता है, देख लीजिएगा। सिस्टुडा में देखिए, सिस्टुडा एंडोपेरासाइट है, उसके तरह ट्रेमाटोडा की तरह। एग्जाम्पल टेप वर्म, आपने पता है टेप वर्म पैरासाइट, एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है वो, इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट है नोन एज टेप वर्म्स। वो अभी देखती है, ये है आपका टार्बेल एरिया, टार्बेल एरिया का नंबर टू पॉइंट क्या है आपका, बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड लीफ लाइफ कवर्ड बाय डेलिकेट सिलेटेड एपिडर्मिस रॉड शेपेड रेप्टिडाइड्स इन एपिडर्मिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्लेनेरिया, आपने प्लेनेरियम का डायग्राम में देखा होगा, देख लीजिएगा, वो लोग का बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है, कोई सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता, वो लोग का एपिडर्मिस में एक स्पेशल तरह का सेल मिलता है सिलिया से भरा हुआ, जिसे कहते हैं रेप्टिडिस, ठीक है, रोड शेप पे रेप्टिडिस इन एपिडर्मिस मिलते हैं। ट्रेमाटोडा नंबर टू पॉइंट, बॉडी अनसेगमेंटेड, जैसे फेसियोला हेपाटिका मैंने दिखा दिया आपको ऑलरेडी, लीवर फ्लूक का डायग्राम, वहाँ पे भी वो लोग का अनसेगमेंटेड बॉडी है, लीवर लाइक सेम, वो लोग का जो बॉडी में एक स्पेशल तरह का कवर रहता है जिसका नाम है टेग्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, टेग्यूमेंट, फाइन स्पाइंस, नो एपिडर्मिस इन एडल्ट, ओके, एडल्ट में कोई एपिडर्मिस होता ही नहीं है। सेस्टुडा नंबर टू पॉइंट, बॉडी रिबन लाइक कवर्ड बाय टेग्यूमेंट, उसमें भी टेग्यूमेंट होता है, एपिडर्मिस, लेकिन एडल्ट में एपिडर्मिस नहीं होता, सेस्टुडा और ट्रेमाटोडा में एडल्ट में एपिडर्मिस नहीं होता। नंबर थ्री पॉइंट देख लेते हैं, टार्बेल एरिया का क्या है, माउथ इज ऑफन वेंट्रल एंड एनस एब्सेंट, माउथ होगा तो मतलब वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है ना, डोर्सल साइड में नहीं, और वो लोग का एनस नहीं होता। एलिमेंट कैंट्रल इज प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैंट्रल प्रेजेंट रहता है पर ब्रांच नहीं रहता है। अभी ट्रेमाटोडा में माउथ एंटीरियर एंड एनस इज एब्सेंट, माउथ भी माउथ एंटीरियर में होता है, मतलब एकदम आगे की ओर, ना तो वेंट्रल ना तो डोर्सल, ठीक है, और एनस तो होता ही नहीं है। एलिमेंट्री कैनल क्या है, ब्रांच्ड है। सेस्टुडा में देख लीजिए, माउथ एंड एनस एब्सेंट, माउथ और एनस एब्सेंट है, फूड फ्रॉम बॉडी सर्विस, फूड बॉडी सर्विस से लेगा, एलिमेंट्री कैनल इज एब्सेंट। नंबर फोर पॉइंट, रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो कैसा कर लेगा, टार्बेल एरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड शोज गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, नो लार्वा, वो लोग का कोई लार्वा नहीं रहता, टार्बेल एरिया जैसे ड्यूगे से पहले जाए, वो लोग का कोई लार्वा नहीं रहता, और वो लोग रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छे तरह से शो करते हैं, दैट मीन्स द कैपेसिटी टू ग्रो न्यू ऑर्गेन्स, एक ऑर्गेन अगर डिटैच हो गया तो न्यू ऑर्गेन वो बना सकता है। साकार नहीं होता क्योंकि वो लोग पैरासाइटिक है नहीं, ठीक है। ट्रेमाटोडा में देख लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। फिर लाइफ हिस्ट्री देखिए, इंक्लूड्स लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व, ये तो लार्वा का बहुत सारा नाम यहाँ पे दिया ही गया, तो इंक्लूड लार्वा स्टेजेस है ही, और वो लोग एक या दो होस्ट के अंदर में रहते हैं, ठीक है, और वो लोग का साकार होगा क्योंकि होस्ट के बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिशन लेंगे तो साकार तो होना पड़ेगा पैरासाइटिक है। सिस्टुडा का देख लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व मोर देन वन होस्ट, ईच प्रोग्लोटिड हैज वन और टू सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये लोग का क्या होता है, बॉडी तो सेगमेंटेड रहेगा, जैसे टेप वर्म में आपने देखा होगा ऐसा सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी रहता है, और ये सब सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी को प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, टेनिया सोलियम पॉर्क है, पॉर्क टेप वर्म, टेनिया सोलियम, प्राइमरी होस्ट क्या है, इंसान, इंसान इंसान के बॉडी में वो लोग पहला जाके न्यूट्रिशन जो लेगा लेगा, फिर वो लोग एक लार्वा फॉर्म करता है इंसान में जिसका नाम है सिस्टिजस इन द इन्फेक्टिव स्टेज, इंसान में बीमार करता है, उसका एक स्टेज है सिस्टिसेरा लार्वा, वो इंसान में बीमार करता है, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग, तो पॉर्क जो लोग खाते हैं वो लोग को पिग के बॉडी में एक लार्वा रह जाता है जिसका नाम है कॉनकोस्फेयर, कॉनकोस्फेयर जो स्टेज है वो पिग में, वो स्टेज पिग में बीमार करता है, पिग को जब अच्छे तरह से अगर पका के नहीं खाया जाए तो इंसान के बॉडी में जाता है, इंसान के बॉडी में एक लार्वा का स्टेज फॉर्म करता है जिसका नाम है सिस्टिसेरस, वो जाके इंसान में बीमार करता है, ठीक है। शो मल्टीप्लीकेशन इन लार्वा, शो नेमली ऑनकोस्पोर्स हेक्साकाइन ब्लडर वर्म, बहुत 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 ज़रूरी है ये सब, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है ना आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, आप लोग अच्छे से ये लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और देखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लार्वा का नाम दिया गया है,
तो ये सब बीमार का भी नाम है देखिए, कॉजेस टेमेंटियसिस और द सिस्टिक कार्कोसिस। तो ये सब सेस्टुडिया आपका पॉक टेपवर्म या फिर टेनिया सोलिम ये सब बीमार करता है। ओके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन हो गया फेजमीट्स, ठीक है। फेजमीडिया दो क्लासेस में भाग किया गया है, एक है फेजमीडिया और एक हो गया एफेजमीडिया। अभी ये जो डिवीजन है ये किसके ऊपर है, ये जो आपका डिवीजन ये हो गया एस्केलहेलमिंट्स का, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, पहले हम जान ले फाइलम नेमाहेलमिंट्स के एस्केलहेलमिंट्स के बारे में, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्रिकल, देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स डिप्लोब्लास्टिक, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म सीडोसिलोमेट, दे डोंट हैव दे हैव फॉल्स सिलोम। ओके अगर आपको पता नहीं है कि सीडोसिलोमेट क्या है फॉल्स सिलोम क्या है तो फिर आपको प्रीवियस पार्ट में पार्ट वन में जाना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग का बॉडी में ऑर्गेन भी रहता है, ठीक है। सीडोसिलोमेट क्या होता है फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जब तक आपको अच्छी तरह से नहीं बताता मुझे शांति नहीं मिलता है। तो देखिए सीडोसिलोमेट क्या होता है कि सिलोम एक ऐसा बॉडी स्पेस होता है जो आपका मेसोडर्म से चारों तरफ से ढका होना चाहिए, ठीक है ना। चार मतलब उसके सराउंडिंग में चारों ओर से मेसोडर्म होना पड़ेगा, थ्री जर्मिनल रहता है एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म, अंदर में तो बॉडी स्पेस के चारों ओर मेसोडर्म होना पड़ता है, उसको सीडोसिलोमेट फॉर्म सिलोम क्यों बोला जाता है। उसके चारों ओर मेसोडर्म रहता है पर टुकड़ा टुकड़ा होके रहता है, छोटा छोटा होके रहता है, ठीक है, फ्रेगमेंट वे में रहता है, इसलिए उसे फॉल्स सिलोम कहते हैं। नंबर टू सर्कुलर, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम एसके नेमाहेलमिंट्स में या फिर एस्केलहेलमिंट्स का डायग्राम देख लीजिए। मेंबर क्या है एग्जांपल, ये हो गया मेल और ये है फीमेल, फीमेल मेल से ज़्यादा लंबा होता है। आप लोगों को अगर दो वर्म दिया गया है तो आप लोगों को अगर पता नहीं कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है आप लोग कैसा पता कर सकेंगे। मेल जो होगा उसका जो एंड है वो क्या होगा, सॉरी उसका जो एंड होगा एक टेपरिंग एंड आपको मिलेगा, थोड़ा सा ऐसा कार्व, ये देखिए थोड़ा सा कार्व हुआ है, तो ये कार्व वाला एंड आपको मिलेगा वो मेल होगा, जो इस जो ज़्यादा कार्व दिखाएगा वो मेल हो जाएगा। और मेल का क्या है काफ़ी, फीमेल का क्या है वो लंबा होता है काफ़ी और टेपरिंग होता है, इसका एंड में काफ़ी तीखा होता है। ओके तो सर्कुलर होता है वो लोग का बॉडी, फ्लैट नहीं होता, फ्लैट वर्म की तरह फ्लैट नहीं होता, सर्कुलर होता है, राउंड होता है। नंबर थ्री फ्री लिविंग, अकेला रह सकता है, कॉलोनी में नहीं रहता है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक, पानी में रहता है या फिर जमीन में भी रह सकते हैं या फिर पैरासाइटिक, किसी और को हानि पहुंचा के किसी के बॉडी में अंदर या फिर बाहर रह सकता है। नंबर फोर एक्सिटरी सिस्टम कॉन्टेन्स एट सेपरेट रेनेट सेल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए हमें पेटी एलिमेंट्स में जो वो लोग का एक्सक्रीशन जो सेल्स था वो क्या था, फ्लेम सेल्स, और यहाँ पे वो लोग का एक्सिटरी जो सेल है वो क्या है, रेनेट सेल्स। नंबर फाइव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी, मीन्स वो लोग का बॉडी के अंदर, बॉडी तो सर्कुलर है ट्यूब कहेंगे, अंदर में और एक ट्यूब जैसा एक स्पेस मिलता है एलिमेंट्री कैनल, तो उसे कहते हैं आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी, ठीक है। नंबर सिक्स सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल सेपरेट है तो फिर ये तो हार्मोफ्रोडाइट नहीं है, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्पर्म और ओवा का जो मिलन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो बॉडी के अंदर होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दैट मीन्स वो लोग का जो बेबी जो होगा प्रोजिनी जो होगा वो लोग हो सकता है कि वो लोग की तरह हो, जन्म से ही जब जन्म लेगा तब भी वो लोग का जैसा हो गया देखने में, कोई लड़वा नहीं हो, या फिर हो सकता है कि बीच में एक लड़वा हो, लड़वा तो पेरेंट के तरह नहीं होता ना, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा, ठीक है, और रुक जाइए हम इससे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो नेमाहेलमिंट्स का जो क्लासिफिकेशन है ये रहा क्लासिफिकेशन, दो भागों में भाग किया गया, दो क्लास में, एक है एफेसमिडा और एक हो गया फेजमीडिया। किसके ऊपर आपका, इसको आपका कोडल रिसेप्टर और फिर फेजमिट के ऊपर। कोडल रिसेप्टर क्या होता है, कोडल रिसेप्टर आपका जो बाहर की तरफ वो है आपका जो टेल के रीजन में आपका स्पेशल एक सेल मिलता है, सेंसरी सेल्स या फिर सेंसिली पेपिले बोल के कहते हैं, जो आपको मीन्स उन लोगों को वही सेंसरी पेल से वो लोग का जैसे केमिकल्स के हिसाब से वो लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है, या फिर वो लोग जो एनवायरमेंट का जो स्टिमुलस वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, टेल रीजन में रहता है। तो वो कोडल रिसेप्टर वो लोग का बॉडी में, फेजमिट्स बोल के कहते हैं वो लोग, का बॉडी में है या नहीं उसके हिसाब से एफिजमिडा और फेजमिडा के में भाग किया गया है। देखिए एफिजमिडा में मेंबर ऑफ दिस क्लास लैक फेजमिट, यहाँ पे जो मेंबर रहेगा वो लोग का फेजमिट नहीं रहता है, फेजमिडा में फेजमिट रहेगा, दैट मीन्स वो सेंसरी रिसेप्टर रहेगा, ठीक है, टेल के रीजन में। नंबर टू पॉइंट सेवरल टाइप्स ऑफ एम्फिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, सेवरल टाइप्स ऑफ एम्फिड्स आर प्रेजेंट मीन्स वो लोग का फेजमिट नहीं रहता पर एम्फिड्स बोल के एक स्पेशल ऑर्गन है दूसरा वो रहेगा। नंबर फेजमिट्स में एब्सेंस ऑफ द कोडल एडेसिव ग्लैंड्स, आपका एक कोडोस में कोडल रीजन में एक आपका एडेसिव जुड़ने का एक ऑर्गन भी रहता है जिसका नाम होता है एडेसिव ग्लैंड्स, एम्फिड्स भी उसे कहते हैं, तो वो
फेज मीट में नहीं रहता बल्कि आपका एफिड्स मीटा में मिलता है। नंबर 3.1 पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी कैनल आर प्रेजेंट, तो एक्सक्रीटरी कैनल वो लोग का बॉडी में मिलेगा एफिड्स मीटा में, पर फेज मीटा में वो नहीं मिलता है। एग्जांपल देख लीजिए, फेज मीटा का हो जाएगा एस्केरिस, एंटेरोबायोस, यूकेरेरिया, ब्रॉनक्राफ्ट जो फिलेर आपका बीमार करता है कि नहीं, फिलेरियासिस करता है, एलिफेंटियासिस, ये सब करता है बीमार यूकेरेरिया, एंटेरोबायोस हो गया, एस्केरिस हो गया, एस्केरिस का आपको मैंने दिखाया ही है जो राउंड का अभी जो दिखाया था मेल फीमेल। और एफिज मीडा में और एक स्ट्रक्चर देख लीजिए कि वन पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी कैनल आर प्रेजेंट, एक एक्सक्रीटरी कैनल में भी रहेगा एफिज मीडा में, और कॉर्डल एजेटिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ये भी रहेगा। तो फिर एग्जांपल के हिसाब से हम एस्केल एलबीस में देख लेते हैं नेमाटोडा, ठीक है, एस्केरिस, यूकेरेरिया, एंटेरोबायोस एटसेट्रा, रेप्टी डिजीज फ्री फ्रॉम राउंड वर्म, ठीक है, फ्री लिविंग राउंड वर्म, एक राउंड वर्म रहता है रेप्टिडिस बोलते हैं जो वो मिल जाएगा आपको एस्केल एलबीस में मिलता है, रोटिफेरा जो व्हील वर्म्स होगा। नेक्स्ट फाइलम इज अवर एनिलिडा, सो यू सी इन एनिलिडा मेटामेलिकली सेगमेंटेड, यू कैन सी इन द पिक्चर इटसेल्फ दैट देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स और मेनी पार्ट्स, ओके, मेटामर्स भी कहते हैं इसे, तो इसे देयर बॉडी इज मेटामेलिकली सेगमेंटेड, ओके, बहुत तरह मतलब छोटा छोटा पार्ट्स मिलेंगे विथ सीजोसिलम, ट्रू सिलम। देखिए एनिमल किंगडम में तो बहुत सारा फाइलम मिलता है, हमने साइकन पर लिया, टेनोपोरा पर लिया, सिलेंटरेटा पर लिया, टेनोप्लाना, फिर आपका प्लेटी हेलमिन देख लिया। अभी तक हमें ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला जहाँ पे ट्रू सिलोम मिलता है, एसिलोमिट मिला है जैसे प्लेटी हेलमिन में, ठीक है ना, एस्केल हेलमिन में सीरो सिलोमिट मिला है, फॉल्स सिलोम कहते हैं। ये बहुत सारा और भी किंगडम है, फाइलम है कि नहीं, तो ये एनिमल किंगडम का पहला फाइलम जहाँ पे आपको ट्रू सिलोम देखने को मिल जाएगा वो होता है एनिलिडा। ये सवाल आता है बहुत बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री जर्मिनल लेयर, बायलेटरल सिमेट्रिकल दैट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नंबर 3 ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में आपका ऑर्गन रहेगा, टिश्यू सेल आपका टिश्यू बनाएगा, टिश्यू आपका ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स का एक सिस्टम बन जाएगा बहुत सारा ऑर्गन। नंबर 4 बॉडी वॉल हैज क्यूटिकल कवर, बॉडी वॉल में एक स्पेशल तरह का कवर रहेगा क्यूटिकल जो वो लोग को प्रोटेक्शन करेगा फ्रॉम एक्स, मतलब जब कंडीशन बाहर का एनवायरनमेंट बहुत खराब होगा तो वो क्यूटिकल उसे बचा के रख सकता है। नंबर 4 बॉडी वॉल हैज लॉन्गिट्यूडिनल एंड द सर्कुलर मसल फाइबर, ये बहुत जरूरी है, तो उनका बॉडी वॉल वाले जो मूवमेंट करेगा दो स्पेशल तरह का आपका मसल मिलता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप देख नहीं सकोगे पर ये एग्जांपल के बॉडी में आपको पता है कि वो लोग कैसे मूव करते हैं, तो वो लोग का मूव करने में ये स्पेशल टाइप का मसल, एक लंबा वाला लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर गोल गोल मसल उनका बॉडी में रहता है जो आपको जो उन लोगों को मूवमेंट में मदद करता है। नंबर 6 काइटेनियस सीटी हेल्प्स इन लोकोमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बट एब्सेंट इन लीच एंड पैरापोडिया एंड नेरिस, तो ये लोग का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है अभी अभी मैंने आपको बोला है, एक स्पेशल टाइप का सर्कुलर मसल रहता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल रहता है जो वो लोग को मदद करता है, तो ये लोग और एक ऑर्गेन जैसे आर्थफॉर्म हो गया वो लोग में एक सीटी सीटे बोल के काइटिनिया जो काइटिन से बना होता है, ये काइटे ये सीटे वो लोग का मदद करता है लोकोमोशन में, पर यही मैक्सिमम में सीटे नहीं होता है पर आर्थफॉर्म में होता है, किसी किसी में होता है, पर लीच जो होता है लीच, ठीक है, लीच ये रहा, लीच में आपका ये सीटे नहीं मिलता। और एक है नेरिस, जैसे ये नंबर ए फिगर नेरिस, तो लीच का नाम साइंटिफिक नेम हिरुदिनेरिया है, तो ये जो नंबर है नेरिस यहाँ पे भी आपको सीटे नहीं मिलेगा, तो वो लोग मूवमेंट कैसे करते हैं, वो लोग का लेटरली में एक आपको अपेंडेजेस एक लोकोमोटरी ऑर्गेन मिल रहा होगा, वो लोग पानी में रहते हैं इसलिए उसका नाम है नेरिस, तो ये जो लोकोमोटरी ऑर्गेन का नाम है पैरापोडिया, उस पैरापोडिया के सहारे वो लोग मूव करते हैं। अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गेन मिल गया। नंबर 7 डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट, वो लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट है, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनल में दो ओपनिंग है, एक हो गया माउथ और एक हो गया एनस। नंबर 8 डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, बॉडी का जो वो लोग जो डाइजेशन जो करेगा वो लोग बाहर में पहले पचाते हैं, ठीक है, डाइजेशन बाहर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर। नेक्स्ट रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन, हमारा रेस्पिरेशन हम लंग से करते हैं, इनसेक करते हैं ट्रेकिया से, वो लोग रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, वो लोग का स्किन से ही कर लेंगे, तो इस तरह का रेस्पिरेशन जहाँ पे स्किन का यूज किया जाए रेस्पिरेशन में इसे कहते हैं क्यूटिनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, और थ्रू गिल्स, या फिर कोई कोई मेंबर ऐसा भी है जो पानी में रहता है तो वो लोग का गिल्स वो लोग ने बनाया है एडप्ट किया है उस पानी में रहने के लिए, तो गिल्स वो लोग रेस्पिरेशन करेंगे उसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन वो लोग का हो सकता है स्किन से क्यूटिनियस रेस्पिरेशन या फिर गिल्स से ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नंबर 10 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्यूरिन एमीबोइड कॉर्पसल आर प्रेजेंट बट नो आरबीसी, तो वो लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ऑलरेडी मैं अपने पहले वाला पार्ट में समझा चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि
हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड जो ट्रेवल करता है, आपका वेजल्स वेन्स इसके सहारे पाइप है उसके अंदर से फ्लो करता है, तो ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जहाँ पे ब्लड जो फ्लो करेगा ना तो आर्टरीज, कोई फाइन फाइन ब्रांचेस कैपिलरीज ब्लड वेजल्स ये सब नहीं है, छोटा छोटा पाइप्स होते हैं ये सब नहीं है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो नहीं करता, खुला ब्लड फ्लो करता है टिश्यू में, सेल्स के कनेक्ट में रहता है, तो वो हो गया आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पर ये लोग का क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड में विभिन्न प्रकार के सेल मिलते हैं, वो लोग का भी मिलता है, वो लोग का सेल एमीबा की तरह मूव कर सकता है, एमीबा की तरह देखने में होता है, तो एमीबेट कॉर्पसल्स, हमारा होता है रेड ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, दे डोंट हैव आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल वो लोग का नहीं होता है। और हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, वो लोग का हीमोग्लोबिन हो सकता है या फिर और एक पिगमेंट है जिसका नाम है एरिथ्रोक्यूरोरिन, ठीक है, एरिथ्रोक्यूरोरिन। नंबर 11, नो ट्रू वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, ब्लड वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, जैसे मैंने अभी बोला है आपका कैपिलरीज वेन्स, हमारा जैसा एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो लोग का ऐसा नहीं होता है। नंबर 12, एस्किटरी ऑर्गेन्स आर नेफ्रिडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एमोनिया इज एन एटीजेनस प्रोडक्ट, एमोनिया वो लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स क्या है, हमारा है किडनी, वो लोग का क्या है नेफ्रिडियस, प्रिवेंटिव काइंड ऑफ किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट तीन प्रकार के होते हैं, हमारा नहीं मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का तीन प्रकार का होता है, एक होता है यूरिया, तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिया निकलता है उसे कहते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड, एक होता है यूरिक एसिड और यूरिक एसिड जो निकलता है ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक, और एक होता है एमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म एमोनिया निकलता है उसे कहते हैं एमोनियाटेलिक। तो देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये आपको आई डिस्क्रिप्शन ऊपर में अभी देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट है एमोनिया, एमोनिया सबसे टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, उसको कम पानी चाहिए होता है निकालने में, तो वो लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट है एमोनिया। नंबर 13, दे हैव नर्व रिंग एंड अ सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व्स इन ईच सेगमेंट, तो वो लोग का नर्वस सिस्टम में क्या है, एक नर्व रिंग है, एक डबल मिड वेंट्रल साइड में एक पूरा बीचों बीच मिड वेंट्रल एक नर्व कोर्ड जाएगा, लंबा सा एक नर्व कोर्ड जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले वाला, एक मिडिल से एक लंबा नर्व कोर्ड जाएगा, गेंगलिया होगा, एक एक पार्ट में एक एक छोटा छोटा गेंगलिया होगा, जैसे यहाँ पे जो आपको एक एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे लंबा सा वेंट्रल कोर्ड नर्व कोर्ड ऐसे दिख जाएगा, और यहाँ पे एक एक सेगमेंट में, यहाँ पे जो एक एक जो यहाँ पे सेगमेंट है, यहाँ पे छोटा छोटा एक एक पार्ट में गेंगलिया मिलेगा, नर्व फाइबर्स मिलेंगे, नर्व कोर्ड एक वेंट्रल एक नर्व रन करेगा, ठीक है। नंबर 14, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स लाइक टेक्टाइल ऑर्गन, टेस्ट बड्स, स्टेटोसिस्ट, फोटोरिसेप्टर सेल्स विथ लेंसेज, तो वो लोग का सेंसरी ऑर्गन, हमारा सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है, आईज है, नोज है, टांग है, स्किन है, वो लोग का क्या है, टेक्टाइल ऑर्गन्स, टेस्ट बड्स, स्टेटोसिस्ट जैसे स्टेटोसिस्ट क्या करता है, वो लोग को बैलेंस करने में मदद करता है, ठीक है। वो जैसे आपका क्या बोलते हैं, पेलियोमोन हो गया, पेलियोमोन के एकदम एंटीना के एकदम नीचे स्टेटोसिस्ट ऑर्गन रहता है जो आपका बैलेंसिंग में मदद करता है, वो लोग का भी स्टेटोसिस्ट, ये एक सेंसरी ऑर्गन रहता है, वो लोग का भी स्टेटोसिस्ट रहता है। टेक्टाइल ऑर्गन्स रहेंगे, टेस्ट बड रहेगा, जैसे हमारा टांग में होता है, वो लोग का टेस्ट बड्स रहेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल रहेंगे जो आपका मतलब लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, किस तरफ से लाइट आ रहा है वो लोग डिटेक्ट कर सकता है, अकॉर्डिंगली वो लोग मूव करेगा या फिर वहाँ से चला जाएगा, फोटो रिसेप्टर सेल वो लोग का है, और वो लोग का सेल में लेंसेज भी है, हमारे आईज में जैसे लेंसेज होता है, वो लोग का भी फोटो रिसेप्टर सेल में लेंसेज हो सकता है। सेक्सेज आर सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट होगा, जैसे नेरिस में आपको दिख जाएगा मेल फीमेल सेपरेट, पर हार्मोफोडाइट भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, है कि नहीं। 16, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, जैसे अर्थवर्म में वो लोग का बेबी जो होगा अर्थवर्म की तरह ही होगा देखने में, कोई लार्वा नहीं बीच में, या फिर इनडायरेक्ट जैसे नेरिस में वो लोग का बेबी वो लोग की तरह नहीं होता देखने में, बाद में वो लोग पेरेंट की तरह होते हैं देखने में। तो अगर डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट हुआ, जैसे आप लोग देख लीजिए नेरिस में अगर डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट हुआ तो फिर वो लोग लार्वा होगा, लार्वा का नाम क्या, ट्रोकोपोड लार्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब भी पूछता है मेडिकल से, ओके। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एनेलिडास आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, पोलिकेटा, ओलिकेटा, ओलिगोकेटा, हिरुदिनिया, आर्कियनिडिला, ठीक है, आर्कियनिलिडा और इक्यूरिडिया, ठीक है। तो नंबर 1 पोलिकेटा, मोस्टली मेराइन, तो पोलिकेटा में क्या होगा, मोस्टली मीन्स मैक्सिमम मेंबर वो लोग समुद्र के पानी में रहेंगे। ओलिगोकेटा क्या हो गया,
उल्का कैटेगरी का जो मेंबर है वो लोग कहाँ रह जाएंगे, वो लोग टेरेस्ट्रियल या फिर पानी में रहते हैं, और हिरुदिनिया, हिरुदिनिया के पानी में एक्वाटिक या फिर टेरेस्ट्रियल या फिर एक्टोपेरासाइट या फिर सेंग्यूबेरस। एक्टोपेरासाइट मतलब आपको पता है जो होस्ट का बॉडी के बाहर से वो लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड मतलब लेगा, तो एक्टोपेरासाइट है, या फिर सेंग्यूबेरस। सेंग्यूबेरस उसको कहते हैं जो न्यूट्रिशन आपका ब्लड ब्लड के हिसाब से वो लोग का खाना होता है, उसे कहते हैं सेंग्यूबेरस। जैसे हो गया मॉस्किटो, उसका खाना क्या है, ब्लड। फिर आर्की एनिलिडा में क्या है, वो लोग का मेंबर पानी में रहते हैं, मैराइन समुद्र का पानी। और इक्यूरेडिका, आई एम सॉरी, इक्यूरिडिया में वो लोग का नो सेगमेंटेशन, बॉडी का डिविशन नहीं होता। तो पोलिकेटा में फिर से नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्टिंग सेफलाइजेशन, हेड जो होगा हेड एकदम डिस्टिंक्टली दिख जाता है। ओलिगोकेटा में वो सब आपको हेड अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, जैसे फेरिटेमा हो गया। फिर हिरुदेनिया सेफलाइजेशन, वो लोग का हेड अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, सेफलाइजेशन एबसेंट, पर आपका पोलिकेटा में सेफलाइजेशन है। फिर आर्केनिडिया में सेफलाइजेशन है। फिर इक्यूरिडिया में आपका सीटेड आर रेयर एंड यूजली हैव लॉन्ग प्रोस्टोमियम और द प्रोबोसिस, ठीक है, आपका वो होता है सीटेड होगा, दैट मीन्स वो लोग का जो सीटेड एक्चुअली यहाँ पे सीटा होना चाहिए, सीटे याद है ना, जिस ऑर्गेन से वो लोग मूव कर सकते हैं। तो इक्की यूरिडिया में जो सीटे होता है वो लोग का मतलब काफ़ी रेयर होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर वो लोग का जो मुँह होगा पहला पार्ट जो मुँह का जो होता है वो लोग का बहुत सारे मतलब पार्ट होगा उसे कहते हैं प्रोस्टोमियम, माउथ पार्ट नोन एज अ प्रोस्टोमियम, वो काफ़ी लंबा हो सकता है, और प्रोबोसिया से फिर प्रोस्टोमियम कहते हैं उसका काफ़ी लंबा हो सकता है उसका माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट न्यूमेरियस सिटी, पोलिकेटा में बहुत सारा सिटी है, जिसके सिटी उस ऑर्गन जो से वो मूव करेगा। ओलिकेटा में ज़्यादा नहीं है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सिटी होता है। हिरुदिने में क्या है, सिटी एंड पेराडियम तो होता ही नहीं है, दे आर एबसेंट। आर्केनिलिडा में आपका पेरापोडियन सिटी आर एबसेंट, और इक्यूरिडिया का तो ये सब होगा ही नहीं, सिटी एबसेंट बहुत रेयर है, मैंने बोला ही है। और तो उसका एग्जाम्पल ही डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बोनेलिया। नंबर फोर पॉइंट पोलिकेटा का नो क्लाइटिलियम। क्लाइटिलियम देखिए 14 सेगमेंट में रहता है एक पार्ट, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो गैमेट्स है, स्पर्म, ये सब मतलब स्टोर करके रखा जाता है। तो ओलिगोकेटा क्लाइटिलियम प्रेजेंट है। हिरुदिनिया क्लाइटिलियम डेवलप्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन होगा तभी वो क्लाइटिलियम बनाएगा। आर्किनिलिडा में क्लाइटिलियम एबसेंट होता है। पोलिकेटा का एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हो, वो होगा सैंड वर्म, जैसे नेरिस सैंड वर्म या फिर क्लाम वर्म, कॉमन नेम ये सब मेडिकल में पूछता है, कॉमन नेम नेरिस का क्या है, सैंड वर्म है या फिर क्लाम वर्म है। ओलिगोकेटा फेरिटेमा एग्जाम्पल है। हिरुदिनिया क्या हो जाएगा, हिरुदिनिया जैसे लीच, फ्रेश वाटर लीच, ठीक है। आर्किनिडिया क्या होगा आपका, पोलिगोर्डियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड द मोलास्का, ठीक है। एनिलिडा और मोलास्का के बीच, एनिलिडा और मोलास्का के बीच में दोनों ही एक दूसरे का पूर्वज में कोई लिंक है, एक कनेक्शन था, वो हमें कैसे पता चलता है, इस ऑर्गेनिज्म से जिसका नाम है पोलिगोर्डियस, ठीक है। उसका लार्वा का नाम है लोवेंस लार्वा, वेरी इंपॉर्टेंट, लोवेंस लार्वा दिख गया आप लोग को अभी। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। सो गाइस, दिस इज अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। गाइस, वीडियो लंबा हुआ है, मुझे पता है, आप क्या करें, देखिए अच्छी तरह से डिटेल्स में अगर समझ में अगर आना चाहिए, अगर एक एक टॉपिक अगर समझ में अच्छी तरह से आए, जो आपका बोर्ड लेवल मेडिकल लेवल मतलब में काम दे, या फिर आपको ऐसा भी कोई सवाल ना हो जो आप ना कर पाए, तो फिर देखिए टाइम तो लगेगा, अच्छी तरह से समझाने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कुछ सजेशन, आप कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए ज़रूर। और मेरा और एक चैनल है एडू शावर बोल के, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस के मतलब विषय में मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो उसे देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे आने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।